व्यक्ति अपने अपने मकसद से आता है, जो व्यक्ति उत्सव मनाने के लिए आए हैं वो उत्सव मना रहे हैं, जो कुछ सुनने के लिए आए हैं वो सुन रहे हैं, जो सुनाने के लिए आए वो सुना भी रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आज 25 दिसंबर है, नब्बे साल पहले इस देश में बहुत बड़ी घटना घटी। जिसके नाम से इस देश का शासन चलता था, जिसे आज हम मनहूस समृद्धि बोलते हैं, मनहूस, उसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया। वो एक घटना थी। बहुत सारे लोग आज पूछते हैं कि बाबा साहब ने मनुष्य समृद्धि क्यों जलाई, हमसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछा होगा। अब क्या जवाब देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो एक ही जवाब दे रहा हूं। बाबा साहब ने मनुष्य स्मृति क्यों जलाई, ये सवाल अगर पूछना है तो बाबा साहब से पूछो। बाबा साहब से पूछो क्यों जलाई, हम जो बताएंगे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। युवाओं को समझना चाहिए, महिलाओं को समझना चाहिए कि ये मनुष्य स्मृति क्यों जलाई। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग, कल भी कोई हमसे पूछ रहे थे, आप वहां जा रहे हो क्या मनुष्य स्मृति जलाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक बार जल गया सो जल गया, जिसको बाबा साहब ने जला दिया वो जल गया, बौद्धों में बरसी मनाने की परंपरा नहीं है। हम बरसी नहीं मनाते जलाने का, इसलिए आप भी बरसी मत मना, लेकिन जलाना तो आज भी है। क्या जलाना है वो बात हम करेंगे। कागज के पन्ने जलाने से बात बनने वाली नहीं है, किताब के कुछ पन्ने जलाने से बात बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा हूं यहां जितने लोग बैठे हैं उनमें से अधिकतर लोग मनुस्मृति के पक्षधर हैं, आज की मनुस्मृति को मानते हैं। बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। ईमानदारी के साथ हाथ उठाना, आप में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। फोटोग्राफर उनके हैं, फोटो देखते हैं। अभी आपको अफसोस होगा ये जान करके कि आप झूठ बोलते हैं। अगर हमें धर्म उत्सव मनाना है, बाबा साहब की बात को समझना है, जब बाबा साहब ने मनुष्य स्मृति को जलाया तो दो बातें कही थी। मैं आज इस पुस्तक को इसलिए जला रहा हूं कि यह एक अमानवीय ग्रंथ है, ये भेदभाव को जन्म देता है, जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, कुछ को गुलाम बनाकर रखता है, क्योंकि जो भेदभाव को जन्म देने वाला है मैं उस ग्रंथ को स्वीकार नहीं कर सकता और जला रहा हूं। और दूसरी बात जो कही थी ये मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है, ये मेरे पृथ्वी को नहीं जसता है। बाबा साहब ने कहा था कि मनुष्य स्मृति मेरी बुद्धि को नहीं जसती है, मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, इसलिए मैं जला रहा हूं। और ये कहकर के जला रहा ताकि सोच समझ के बजा। और उसके बाद बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा, एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें कोई गैर बराबरी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, और सबको समानता स्वतंत्रता की बात दी, अधिकार दिए ना। और बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा जो सबके स्वाभिमान की बात करता है और सबको सम्मान देता है, बुद्धि को भी जसता है। क्या हम बाबा साहब की बात मान रहे हैं?
संविधान लिखते समय कुछ बातें नहीं मानी गई, संविधान सभा में काम करते हुए कुछ मजबूरियां थी, लेकिन फिर भी बाला साहब ने कानून मंत्री रहते हुए महिलाओं की आजादी का एक दस्तावेज तैयार किया जिसे हिंदू कोड बिल कहा। क्यों तैयार किया? क्योंकि महिलाओं को आजादी नहीं थी। एक पुरुष कितनी भी शादी कर ले रोकने वाला नहीं था, और कोई महिला अगर दूसरे पुरुष का नाम ले ले तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती थी। कोई पुरुष महिला को पत्नी को तलाक दे दे, ना वो पिता के घर में रह सकती थी, ना पति के घर में रह सकती थी, ददर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती थी। ना पिता की संपत्ति में अधिकार था, ना पति की संपत्ति में अधिकार। किसी का पति मर जाए तो या तो सती होकर के मरे, या सिर के बाल मुड़वा करके सफेद वस्त्र पहन करके विधवा बन करके रहे, दोनों स्थितियों में मरना महिला को ही था। और अगर किसी की पत्नी मर जाती तो चिता की आग भी ठंडी नहीं होती थी कि शादी के चर्चे शुरू हो जाते थे, दूसरी शादियां हो जाती थी। धर्म के नाम पर भी महिलाओं का बड़ा शोषण किया। छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को पत्थर की मूर्ति के साथ शादी करके देवदासी बना दिया और जिंदगी भर का शोषण करते रहे। धर्म के नाम पर व्याभिचार करने की प्रथा थी इस देश में। बाबा साहब ये सब नहीं देख सकते थे, महिलाओं को बराबर का हक देना चाहते थे। एक कानून बनाया। जब बाबा साहब हिंदू कोड की बात करने लगे, महिलाओं की आजादी की बात करने लगी, देश के सारे बुद्धिजीवी बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। इस देश के सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। एक शूद्र होकर के धार्मिक मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। बाबा साहब का बनाया हुआ कानून संसद में पास नहीं हो सका। मैं नौजवानों को एहसास दिलाना चाहता हूं, कानून उस समय पास नहीं हुआ। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का कानून मंत्री होने के बाद भी इस देश की महिलाओं को बराबर का हक नहीं दिला सकता, तो मुझे इस देश का कानून मंत्री बने रहने के लिए कोई औचित्य नजर नहीं आता। इस्तीफा दे दिया, बाहर निकल करके कानून को पास करवाया। और आज बाबा साहब की वजह से भारत के संविधान में महिला और पुरुष बराबर हैं। क्या बाबा साहब के इस कानून का आप समर्थन करते हैं? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बाबा साहब की सच्ची संतान है तो मेरी बात को ध्यान से समझना। आप कैसे कौन कौन व्यक्ति हैं जो अपने घर में अपनी महिलाओं से घूंघट करवाते हैं? जो महिलाओं से घूंघट करवाते हैं, क्या यह समानता की बात है? क्या यह महिलाओं के लिए सम्मान की बात है? जिस देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चल रहा हो, जिस देश के नौजवान बाबा साहब को दिल से चाहते हो, जिंदगी से ज्यादा प्रेम करते हो, और उसी देश के अंदर उन्हीं के घर में रहने वाली महिलाएं घूंघट में रहती हो, जलाना है तो इस परंपरा को जलाओ। ताली बजाने की हिम्मत कुछ लोग कर रहे हैं, बता देता हूं, ताली बजाने की जरूरत नहीं, ताली बजाने में समय लगता है, जो लगता है इससे कम ताकत में घूंघट हट सकता है, जो घूंघट हटा सकता है ताली बजाने का पसी, ताली वही बजाए जो घूंघट हटा सकता है। ताली महिलाएं भी बजा रही है, महिलाएं भी ताली वही बजाएंगी जो आज संकल्प लेकर के जाएंगी कि भीम ज्ञान चर्चा के मिशन के प्रोग्राम में, धर्म उत्सव के प्रोग्राम में एक आह्वान हुआ था आजादी का, जश्न मनाना है तो आजादी के साथ जश्न मनाना है, गुलाम लोग जश्न नहीं मना सकते। मैं अपनी बहन बेटियों से, माताओं से कहना चाहूंगा, अगर बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हो तो आजादी की लड़ाई लड़ो। मैं जानता हूं इस पंडाल में दो पक्ष बने हुए हैं, एक तरफ गुलाम है, एक तरफ वो लोग जो गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। क्या ये भेद, इस भेद का समर्थन भारत का संविधान करता है? आज इस देश पर संकट आ पड़ा है।
लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं वही संविधान को मानते नहीं है। अगर संविधान की रक्षा करनी है तो संविधान के लिखे हुए प्रावधानों और कानूनों का सम्मान करो। और एक आह्वान करो कि नोएडा की इस धरती से, भीम ज्ञान मिशन के इस कार्यक्रम से, भारत के बोधों में एक निर्णय लिया है कि देश की कोई महिला घूंघट नहीं करेगी और घूंघट मुक्त होकर के बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार पूरा सम्मान पाना पाएगी। जो महिलाएं घूंघट से मुक्त होना चाहती वो हाथ उठा कर नहीं होना चाहती। मैं सुनता हूं आपसे, इसी से बात कर रहा हूं, कानून के क्या है सजा दो सब। देखो संविधान इसकी अनुमति देता है तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो घूंघट के पक्षधर है, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो घूंघट में रहना चाहती है। क्योंकि आप घूंघट में रह सकती हैं, आपकी आदत हो गई होगी, लेकिन उन बच्चों का ख्याल करो जो घूंघट का बगाव करना चाहती, घूंघट में नहीं रहना चाहती। क्या कोई मां चाहेगी कि उसकी बेटी ससुराल में जाकर के पर्दे में कैद हो जाए? क्या कोई भाई चाहेगा कि उसकी बहन ससुराल में जाकर के पर्दे में कैद हो जाए? अगर नहीं चाहते तो घूंघट के खिलाफ बगावत करो। उस बगावत में मैं आपके आगे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं बाबा साहब से प्रेम करता हूं और बाबा साहब के संविधान का सम्मान करता हूं। दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज गुलामी के स्वरूप बदल गए हैं, आज गुलामी के स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन प्रतीक यूं के यूं है। आप बहुत धर्म की बात करते हो, इस पांडाल में बैठे हुए कितने पुरुष जो बौद्ध नजर आते हैं, इस पांडाल में बैठी हुई कितनी महिलाएं जो बौद्ध नजर आती हैं। बौद्धों का पहनावा है श्वेत वस्त्र पहनना। मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है कि हम आपको बता नहीं पाए। मेरी भी कमजोरी है कि मैं नोएडा में आकर के लोगों को समझा नहीं पाया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन कहता हूं अगर बौद्धों के कार्यक्रम में जाना है, बौद्ध बन के जीना है, तो श्वेत वस्त्र पहने लगो। अभी हमारे आदरणीय बौद्धाचार्य श्यामी स्वरूप बौद्ध जी अपनी व्यथा बता रहे थे, ब्लाउज सिलवाने की। बौद्ध महिलाएं खड़ी हो गया, धर्मों की कुछ महिलाएं आई है, थोड़ा समय लगे निकल आ जाए। हम परंपराओं से प्रेम करते हैं इसलिए रास्ते भी बदलते। महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। आप सब पढ़े लिखे होंगे, मैं भी पढ़कर के आया हूँ, पांचवी कक्षा में ही मुहावरे आते हैं, इसमें लिखा होता है चूड़ियां पहनने का मतलब क्या है। हर पढ़ा लिखा जानता होगा चूड़ी पहनने का मतलब क्या है, कायर होना, कमजोर होना। और आप सबने अपने अपने घर में अपने अपने जीवन संगिनी को चूड़ियां पहना रखी है। जिस देश की मां कमजोर होगी, कुछ दिन होगी, चूड़ी पहन करके जिएगी, क्या वो अपने बच्चों को बहादुर बना सकती है? आप इन बहादुर महिलाओं को देखो, ये धर्मभूमि की पहचान है, धर्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धर्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। अब इसमें एक ही बार नहीं रुझा, एक ही बार माफ देना पड़ता है, बार बार नहीं जाना पड़ता। कितनी बार माफ देना पड़ेगा? एक ही बार माफ देना पड़ेगा। महिलाओं को भी अपनी पोशाक बदलनी चाहिए। ये पुरुष सारे देख रहे हैं, आज से 50 साल पहले सभी लोग धोती बांधा करते थे, और जब हमने बाबा साहब को पैंट और कोट में देखा तो पढ़ने वाले सारे नौजवान पैंट और कमीज पहने लग गए। आज तो सभी लोग पैंट कमीज पहन करके बैठे हैं, बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, और जिसने पैंट और कमीज पहना उसने जीने का सलीका सीख लिया है। महिलाओं ने कौन सा गुनाह किया कि अपनी पोशाक तक नहीं बदल पाए? ये हमारी मानसिकता है, और जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे हम आजादी का जश्न नहीं मना पाए। इन महिलाओं को साधुवाद, इन्होंने वही पोशाक पहनी जो बाबा साहब बता करके गए हैं। और अपने हाथ भी दिखा दो, थोड़ा ऊपर कर, हाथों में कितनी चूड़ियां, गिन करके देखो, ये सारी सुहागिन है, कोई डर नहीं है।
बस धन्यवाद। अब हम जा सकते हैं। छोटा सा आपको डेमोस्ट्रेशन दिया है कि दामोदरी का आंदोलन व्यवहारिक आंदोलन है। अगर हम बौद्ध बने तो बौद्ध पहचान बननी चाहिए, बौद्धों के प्रतीक होने चाहिए, बौद्धों की पोशाक होनी चाहिए। और सारी बौद्ध महिलाएं अपने भी पोशाक बदलने में, इसलिए कहता हूं पोशाक बदलेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि सफारी पहनने वाली, पैंट कमीज पहनने वाली महिलाओं के पास घूंघट करने का कोई प्रोविजन नहीं होता, होता है क्या? और ये घूंघट जब तक साड़ी पहनती रहेंगी, सूट पहनती रहेंगी, सर पर दुपट्टा रहेगा, आप कभी भी सम्मान के हकदार नहीं बन पाएंगी। मैं छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, बहुत बार कह चुका हूं, ये महिलाएं घूंघट किससे करती है? महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? अपने ससुर और जेठ से। शादी से पहले देखने कौन जाता है? ससुर और जेठ। पहले लड़की देखने जाएंगे, पैर के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक सारा ध्यान से देखेंगे, फिर गोद भरने के लिए जाएंगे तब ध्यान से देखेंगे, फिर लगन सगाई लेकर के जाएंगे तब ध्यान से देखेंगे, फिर शादी के समय वरमाला देने के तब ध्यान से देखेंगे। चार बार लड़की का चेहरा देखा है, चार बार शक्ल देखी है, और शादी के बाद पांचवी बार भी देख लेंगे कोई अनर्थ हो जाएगा? कौन ससुर है जिसने अपनी बहू का नमूना देखा? फिर ये ना देखने का नाटक कब तक चलेगा? बहुत बढ़िया, ये ना देखने का नाटक कब तक चलेगा? और मुझे कोई पुरुष नजर नहीं आता जो अपनी बहू का मुंह देख लेना चाहे। ये मुंह ना दिखाने की सबसे बड़ी बाधा महिला ही है जो सास के रूप में थानेदार बन करके घर में बैठी है। और मैं तो महिलाओं से कहना चाहूंगा, सास और बहू की लड़ाइयां अक्सर होती हैं। आपने बहुत लड़ाई लड़ी होगी, वो निरर्थक थी, बस एक लड़ाई और लड़ो घूंघट हटाने के लिए। और इस लड़ाई का ख्याल रखना, स्वरूप बदल देना है। बिना घूंघट के जब घर में जाओगी तो सास लड़ने लगेगी, आपको बोलना नहीं है, और जब सास चुप हो जाए तो जाके पूछना, मम्मी जी लड़ाई किस बात की है? वो कहेगी तूने इज्जत का ख्याल नहीं किया, घूंघट हटा दिया। मम्मी वो तो हट गया, अब लड़ना किस बात है? वो तो हट गया, लड़ना किस बात? लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, पुरुषों से कहना चाहूंगा, इस लड़ाई में अपनी पत्नी का साथ देना है आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो नौजवान अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा, मैं समझता हूं वो बाबा साहब के मिशन का गुनाहगार होगा। ये महिलाएं कहीं भी चली जाए, बस में यात्रा करती कभी घूंघट नहीं करती, रेल में सफर करती है घूंघट नहीं करती, बाजार में जाती कभी घूंघट नहीं करती, वो कहां पर भी घूम के आ जाए। आज भी इस बाजार में किसी महिला ने घूंघट नहीं कर रखा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो ही वो घर में जाती है, सबसे खतरनाक दो प्राणी घर में मिलते हैं, सबसे खतरनाक। और वो खतरनाक पता कौन है? आपके पिता, उसके ससुर। जिसको आप पिता कहते हैं वही एक खतरनाक प्राणी है जिसे घूंघट करना पड़ता है, और पति का बड़ा भाई। बस ये दो लोग समझ जाए, एक पिता अपनी बेटी को कहे, बहू को कहे कि बेटी घूंघट करने की जरूरत नहीं है, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, हम भीम को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, घूंघट हटा दे, बाबा साहब का मिशन और आगे बढ़ेगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आगाज हो चुका है, भले ही लोग देश की तरक्की की बात करते हो, बड़े बड़े रोड बना करके टोल टैक्स वसूल करते हो, ये विकास नहीं है। ऊंच ऊंची इमारतें बना करके भले या विश्व में अपनी पहचान बना रहे हो, लेकिन ये विकास नहीं है। और जिस देश की महिलाएं घूंघट में रहती हो, इससे बड़ा कोई विनाश नहीं है। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूं नौजवानों से, कुछ नौजवान सोच रहे होंगे कि हमारी शादी नहीं हुई, हम पर बात लागू नहीं होती। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अगर आपकी मां भी घूंघट करती है तो आप बुजदिल हैं, कमजोर हैं, काया हैं। जिस नौजवान की मां घूंघट में रह करके जीवन जी रही है, क्या वो नौजवान कह सकता है कि वो मिशन का सिपाही है? मनुवाद से तो फिर लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पहले अपने घर की बुरी परंपराओं से लड़ो जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं एक नई शुरुआत होनी चाहिए, और दूसरी शुरुआत होनी चाहिए,
हम सब लोग बाबा साहब के नाम से काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने संगठन है, सबका एक ही लक्ष्य है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, सबका एक ही लक्ष्य है भारत को पदमय बनाना। सारे पढ़े लिखे लोग संगठन बना रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग जयंतियां मना रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल रखी है। भारत बद में बनेगा तो क्या मेरा भारत बद में बनेगा? बाबा साहब का मिशन पूरा होगा तो क्या भीम ज्ञान चर्चा का मिशन पूरा होगा? हमारी लड़ाई शांति लड़ाई है, लक्ष्य भी एक है। भले हम किसी भी संगठन में काम करते हो, किसी भी नाम से काम करते हो, लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, भीम ज्ञान चर्चा मिशन ने पहल की है, शुरुआत की है, हम संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके बाबा साहब के मिशन के लिए मिल करके काम करें। भले ही अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। भले ही बाबा साहब के मिशन के लिए कहीं भी काम करें, एक दिशा में काम करना चाहिए। एक दिशा में काम होगा तो मुकाम जल्दी हासिल हो जाएगा।